फंटा पेप्सी कोला, पेप्सी कोला लाओ, स्प्रेट फिर से लाया, स्प्रेट स्प्रेट है आज। तो नाज़रीन और हज़ीन, ये पट्टी कहते हैं इसको, वैसे इंग्लिश में फूस बॉल कहते हैं, और हमें बहुत पसंद है भाई ये गेम। डब्बू भी है यहाँ पे और ये स्नूकर भी है यहाँ पे। ये न्यू कराची के लौंडे हैं, न्यू कराची के लौंडे पट्टी खेल रहे हैं। ये हमारी शहजादी कहाँ भाग रही है, और ये हमारे कमांडो कमांडो रेडी हैं सामान उतारने में। इसने घटिया बॉल कराई। ये स्टाइल कौन सा है इनका, ये तो लग रहा है वो फकीर चर्सी जो भीख मांग। ओए होए होए होए, जरा जोर से बोलो कैल्शियम की कमी वालों। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हजरात, नाजरीन हाजरीन, आज हम जा रहे हैं फैमिली टूर पे। सीक्रेट प्लेस, सीक्रेट तो नहीं है, खैर आम सी प्लेस है, लेकिन आपको बताते हैं कहाँ जा रहे हैं, दिखाते हैं कहाँ जा रहे हैं फैमिली के साथ, क्योंकि हमारी छोटी बहन की शादी होने वाली है अगले महीने, तो उसके साथ एक आखिरी टूर। चलें आपको दिखाते हैं। अच्छा तो नाज़रीन और हाज़रीन, देखते हैं मेहमान आ चुके हैं, तमाम मेहमान आ चुके हैं, और ये हमारा एक कमांडो भी रेडी है। आप ये देखें, ये कमांडो हमारे जा रहे हैं जंग लड़ने। ये इनके शूज़ भी रेडी हैं, वहाँ हम जाते ही हम खड्डा करना शुरू हो जाएंगे। और ये एक और कमांडो आ गया हमारा, ये पता नहीं रोटियाँ दही लेके आ रहा है, क्या लेके आ रहा है। और नानी भी बैठी हुई है और बहन भी बैठी हुई है। ख़वातीन हज़रात, हमारी वैन आ चुकी है जिसमें हम लोग जाएंगे पिकनिक पे, और गाड़ी भी हमारी रेडी है, धुल धुला के चमक गई है। वो हमारे लौंडे जो हैं वो दूसरी गाड़ी भी धो रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, हम पहुंच चुके हैं अपने फार्म हाउस पे फैमिली के साथ। ये देखें, ये सारे लौंडे हमारे उतर रहे हैं अभी, बच्चों की खुशियां देखें ज़रा आप, ये देखें आप। और ये है वो फार्म हाउस, इसमें स्नूकर भी है, डब्बू भी है, पट्टी भी है, एक गार्डन शार्डन भी है, और मज़ीद आगे चल के आपको दिखाएँगे स्विमिंग पूल, कमरा वगैरह सब कुछ है। इसकी लोकेशन भी बताएँगे, एड्रेस भी बताएँगे। इसका नाम तो है हिल टॉप, जैसा कि आप देख रहे हैं सामने, ये इसका पूल है। ये देखें जनाब, तमाम दुनिया का बोझ इन्होंने ही उठाया हुआ है लग रहा है, सारी दुनिया का बोझ इन्होंने ही तो उठाया हुआ है। भाई, कितना बोझ उठाया, चाय लाऊंगी मैं, सारा बोझ इसी का है। इसमें चाय लाएंगी, नेथी नहीं होती थी एक हमारे दौर में, बचपन में नेथियां होती थी, वो लकड़ी के तलवारें बनाती थी, और वो जो तीर कमान लकड़ी के बच्चों को बना के देती थी वो। और इनके काम देखें जरा आप, ये फहद की बेगम के काम देखें आप जरा, ये अपने झूले झूलने में मसरूफ है। अब हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे नहाते हुए, खाना पकाते हुए, बारबेक्यू पार्टी करेंगे, और हल्ला गुल्ला शोगल मस्ती तफरी सब करेंगे। तो ये लौंडे हमारे काम में बिजी हैं, ये देखें सामान उतारने में। हाँ भाई, हॉलीवुड हल्क होगन तो पता नहीं क्या चल रहा है। और ये हमारे कमांडो रेडी हैं सामान उतारने में। अच्छा, यहाँ पे मोर भी हैं और कुछ मुर्गियाँ भी हैं बच्चों के लिए थोड़ा बहुत, वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखें जनाब, ये एक पिंजरा बनाया हुआ है इन्होंने, जिसमें ये मुर्गियाँ, पता नहीं कौन सी नस्ल की मुर्गियाँ हैं, दो चार मेरे ख्याल से दो ही हैं, और ये ख्वार हो रही हैं, और इसमें मोर भी है। ये मोर बैठा हुआ है, ये मोर बैठा हुआ है और बोर बैठा हुआ है, ये बेचारा अकेले बैठा हुआ है। ये कह रहा है कि यार मेरे कोई साथी वाती नहीं है, क्या बोर कर दिया तुम लोगों ने, चलो तुम लोग आ जाओ तो थोड़ा सा शुगल शायद हो जाए। बाकी ये गार्डन है, यहाँ पिच भी बनी हुई है, आप क्रिकेट शिरकेट खेल सकते हैं मज़ेदार। और ये जनाब साइड में क्या है इसके, ये गालिबन कोई ऐसी सिटिंग प्लेस है बैठने वगैरह की, कोई कचहरी वचहरी कर सकते हैं आप इधर। तो नाज़रीन और हज़ीन, ये पट्टी कहते हैं इसको, वैसे इंग्लिश में फूस बॉल कहते हैं, और हमें बहुत पसंद है भाई ये गेम। डब्बू भी है यहाँ पे और ये स्नूकर भी है यहाँ पे, तो तमाम गेम हम खेलेंगे, आपको भी दिखाएंगे। अच्छा जनाब, इसका हम आपको किचन दिखाते हैं, और ये गालिबन शायद वॉशिंग एरिया है, शावर एरिया सॉरी। और ये हमारा किचन आ गया, थोड़ा यहाँ इन्होंने एनवायरनमेंट ऐसा दिया हुआ है जैसे आप बैठ के आराम से खाना खा लें, और फ्रीज़र वगैरह भी है, लाइट की सहूलत भी है यहाँ पे, और ये बारबेक्यू सेटअप भी है, ये है बारबेक्यू सेटअप, तो तमाम चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, अगर आप लोग यहाँ आना चाहें तो आ सकते हैं। करो करो
देखें आप इनकी इनकी शुगल देखें, शुगल इन सबकी चवले देखें आप, ये देखें इनकी शक्लें देखें फिर इनकी चवले देखें। ये हॉलीवुड हल्क होगन क्या कर रहा है? ये फंटा है, फंटा। ए फंटा पिल्ले कर रहा है, पिल्ले आज। ए फंटा पेप्सी कोला, पेप्सी पेप्सी कोला लाओ, स्प्रेट फिर से लाए, स्प्रेट स्प्रेट है आज। स्प्रेट को छोड़ अपना पेट तो देख। ये खाते भी थे घर का बच्चों ना यार, तू लग रहा है पड़ोसियों का भी खा जाता है। छीन के खा तो छीन के। ये दो बुढ़ी खवातीन देखें आप कहाँ जा रही है। मामी बुढ़ी कह रहे हैं आपको ये बेगम। यस हमारा तो शायद तीसरा टूर है इसमें, और कैसा लग रहा है तुम्हें बताओ? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। क्या रिवायती जवाब दिए, बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ अट्रैक्टिव सा दो ना कोई लड़की। रात में आने का एक अलग मजा है, दिन में आने का एक अलग मजा है। तो आज हम फर्स्ट टाइम नाइट स्टे के लिए आए हैं। नाइट स्टे तो वाकई फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। तो अब जब पानी में जाएंगे, बहुत ठंडे पानी में, तो जब मजा आएगा, ज्यादा मजा आएगा। ठंडा पानी निकलेंगी, चीखें भी निकलेंगी, सर्दियों के दिन है वो भी दिखाएंगे आपको। और ये है पिच, इस पे क्रिकेट भी खेलेंगे। ये न्यू कराची के लौंडे, न्यू कराची के लौंडे पट्टी खेलना है। ये हमारी शहजादी कहाँ भाग रही है? हाँ न्यू कराची, न्यू कराची, शाबाश, गोल है, गोल है। ये बंदा भी गोल है, ये जो बंदा है ना ये भी गोल है। इसको देखो, इसने बाल कटवाए हैं, गोली तो चूड़े चूड़े। ये देखो, ये देखो, एक बॉल इनसे अंदर नहीं डाली जा रही। रानी तो पप्पा जी, क्रिकेट चल रही है भाई, क्रिकेट में ये आ गए हैं, वो पवेलियन आ गए। अब देखें ये बॉलिंग कराएंगे। ये देखें भाई शोएब अख्तर, ये लड़कियों की शोएब अख्तर आ गई है। मजे से ब्लॉग बन गए यहां पे भी। ये आ गई लड़कियों की शोएब अख्तर, बस करा भी दो ड्रामे। ये आई, ये आई, इसने घटिया बॉल कराई। ये बच्चे आ गए भाई, बच्चे आ गए। खवातीन हजरात, जैसा कि आप देख रहे हैं कि खवातीन क्रिकेट खेल रही है और मर्दों को मौका नहीं मिल रहा है। हमारा माइक चल रहा है, हाँ हमारा माइक चल रहा है, जो कि बंद हो जाता है अक्सर, तो हमें देखना पड़ता है चल रहा है नहीं चल रहा है। ये देखें ये अरीब ब्लॉग जो अपने ब्लॉग बनाने में तैयार खड़े हुए हैं। और ये शोएब अख्तर, ये कौन सी, ये स्टाइल कौन सा इनका? ये तो लग रहा है वो फकीर चरसी जो भीख मांग। बोल्ड हो गई आमना, बोल्ड हो गई। ये इसका क्या फायदा, बेमानी कर दी इन्होंने, बेमानी। ये है वो बेमान खातून जो बेमानी करती है। सिक्सर नहीं हो क्या, आउट हो गई हो। वो देखे हमारा फील्डर, ये हमारा भैंसा, भैंसा बॉल करा रहा है। ये भैंसे, ये भैंसा भागा, अल्लाह रहम करे, धरती धरती हिल रही है। ओहो ये भी हिल गया, इसने बॉल कराई शानदार, और ये शॉट मारते मारते रह गई, आउट हो गई। अच्छा भाई डांस दिखाते हैं आपको, डांस। ये हमारा सस्ता सलमान खान ब्लू शर्ट में। अच्छा भाईजान, हम स्विमिंग पूल में घुसे, देखें थोड़े बाल छाल गीले हो रहे हैं हमारे, लेकिन हमें अंदाजा ये हुआ कि बहुत ठंडा पानी, हम नहीं नहा सकते भाई। जोश में हमने छलांग तो लगा दी, लेकिन उसके बाद ऐसा हो गया। अब हम खाना बना रहे हैं, दो शेफ बंदूक खान से मंगाए हमने, दो शेफ। ये देखें आप, ये VIP हमारे कोयले जल रहे हैं, और ये VIP हमारा क्या है, ये बोटी है, कबाब है, क्या है ये? है टिक्का बोटी, टिक्का बोटी बना रहे हैं भाई, टिक्का खा रहे हैं अभी बना के, और चाय शाम ने पी ली थी। ये रायता तैयार हो रहा है, और हम आपको दिखाएं और क्या बन रहा है। ये सलाद कट रही है, इस प्राणी को आप पहचाने, ये प्राणी को अम्मी कहा जाता है। ये देखें आप, ये अम्मियों के काम चेक करें आप। ओहो आग लगा दी भाई, आग लगा दी हमारे फौजी ने।
बेहतरीन इंतजाम है यहाँ पे खाने का जनाब, पूरी फैमिली आराम से बैठ के खा सकती है। ख़वातीन हज़रात, हमसे एक बहुत संगीन गलती हो गई कि हम जो है वो अपने घर से ब्लैंकेट वगैरह नहीं लाए। बाकी लोग तो जो है वो पढ़ के जिसके पास चादर थी, ब्लैंकेट था या क्या था, सब उड़ के सो गए। हम सर्दी में मचलते रहे, सोना भी जरूरी था लेकिन क्या करते, नींद नहीं आई थी बड़ी मुश्किल से। फिर एक बंदा उठाया तो हमने उसकी चादर लेके सोफे पे लेटे, बेचैनी हो रही थी, सर्दी भी हो रही थी। फिर इन दी एंड जो है वो हम आके अपनी गाड़ी में इधर लेटे, थोड़ी सी आंख लगी, सोए मुश्किल से एक डेढ़ घंटा। अब फिर सुबह हो गई है, ताज़ा तरीन आपको सूरत हाल दिखाते हैं। ये एक छोटा सा भंड हो गया जो हमने आपसे शेयर किया है। अस्सलाम वालेकुम, देखें जनाब, हम ये सुबह जो है आपको दिखा रहे हैं यहाँ की नॉर्दर्न बाईपास की, ट्रक वगैरह लगे हुए हैं, चाय का होटल वगैरह चल रहा है माशाल्लाह, ये किरयानी की दुकान है गालिबन, और इधर पहाड़ हैं। तो हम निकले हैं, कोई देखते हैं कोई कुछ चबाने के लिए हमें मिल जाए, छालिया वालिया, शाही डिलक्स, सुपारी वगैरह कुछ। बोर हो रहे हैं क्योंकि सो तो पाए नहीं सही से, अब ये है कि घर जाकर ही सोएंगे। अच्छा जनाब, ये है मेन नॉर्दर्न बाईपास कराची में, और ये यहाँ से लेफ्ट पे ये जा रहा है हमदर्द यूनिवर्सिटी की तरफ, और राइट पे ये जा रहा है सुपर हाईवे की तरफ। अगर आप सुपर हाईवे से आ रहे हैं तो थोड़ा आगे आके लेफ्ट पे आपके ये देखें, ये एक पंप है N3 का, उसके साथ जैसे ही आप लेफ्ट पे देखेंगे तो ये दरवाज़ा है, इसके अंदर फार्म हाउस है, सेफ एंड सिक्योर है। और अगर आप आ रहे हैं 4K चौरंगी की तरफ से आ रहे हैं, शेरशाह या हब की तरफ से, तो ये सामने जो रास्ता है ये सीधा ऐसे आएगा, और यहाँ से आप सीधे हाथ पे ये मुड़ जाएंगे यहाँ पे, और बिल्कुल आपके सामने ये क्या कहते हैं, चार दीवारी होगी, इसके अंदर फार्म हाउस है, बहुत अच्छी लोकेशन है। ये एक बिल्डिंग भी बनी हुई है यहाँ पे, एक होटल भी बना हुआ है, इसकी पहचान है, और दूसरी पहचान ये N3 का पेट्रोल पम्प है। तो लोकेशन इसकी बड़ी अच्छी है, देखें छोटी सी मस्जिद भी बनाई हुई है एक, तो बहुत प्यारा खूबसूरत सा एक छोटा सा एरिया है, इतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन यह है कि भरपूर आपके एंजॉयमेंट का सारा सामान इसके अंदर है। सुबह का नाश्ता छोले और पराठा और चाय। ये देखें जनाब, हमारी बेटी के गेम, ये क्या कर रही है, ये हाथ से सुराख में डाल रही है, ठीक है ना। तो खैर भाई, हम तो नहा तो नहीं सके, लेकिन ये है कि हमने बाकी सारी तफरियाँ शुगल मस्तियाँ कर ली हैं, क्योंकि पानी बहुत ठंडा था। क्रिकेट खेली, रैकेट खेला, ये हमने स्नोकर खेला, डब्बू खेला, पट्टी, तो ये सारे धंधे हम करते रहे गार्डन में। ये देखें जनाब, हमारी अम्मा झूला झूल रही हैं, ये देखें इस स्विमिंग पूल के साथ झूले लगाए हैं इन्होंने, ये एक बार फिर से कॉलेज की लड़की बन गई हैं। खवातीन हज़रात, बस इसी जो है वो आदमखोर जानवर की जो है हिम्मत है जो पानी में नहा रहा है, अदरवाइज हमारी भाई हिम्मत नहीं है बिल्कुल। अभी धूप निकली है लेकिन अब टाइम इतना हो गया कि हमारी हिम्मत जवाब दे गई है, इसलिए नहाने से सबने परहेज किया क्योंकि पानी बहुत ठंडा था यार। अपनी तो फट गई भाई, हालत ही खराब हो गई। भाईजान, सोच होकर गुजर चुका है दिन, क्योंकि हम थक गए थे, हम बिल्कुल नहीं नहाए, और रात में तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। अभी भी पानी बर्फ की तरह ठंडा है, मुझे टाइटैनिक के हीरो की याद आ गई, बेचारा कुत्ते की मौत मारा है, सर्दी बड़ी बुरी चीज है भाई। तो इसी के साथ हम लोग अपना ब्लॉग एंड करते हैं, सब बाय बाय बोलो भाई, जरा जोर से बोलो, कैल्शियम की कमी वालों।